तो वेलकम बैक मेरे साथियों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम से होंगे ठीक ठाक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने इनको दाना डाला है, उससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर पहले से ही दाना पड़ा हुआ था, मगर कबूतरों से खा नहीं रहे थे। तो मैं आपको बता दूं होता क्या है। दोस्तों, हमारे जो कबूतर हैं, दरअसल उनको आदत लग चुकी है मूंग की और ज्वार की और सरसों की और बाकी के जो आइटम होते हैं इसमें, चने वगैरह उसकी। तो अब ये क्या करते हैं, गेहूँ को बस थोड़ा खाते हैं लिमिटेड, और बाकी फीड को जो है ये छोड़ देते हैं। मतलब कि अब थोड़ा गेहूँ खाएंगे, बाकी पूरा गेहूँ छोड़ देंगे, उसमें से जो मूंग वगैरह होती है उसे खा लेते हैं। तो इसलिए पहले से ऑलरेडी दाना खड़ा पड़ा हुआ था, और दाना पड़े रहने के साथ साथ दाना वेस्ट भी है, ठीक है। वो देखिए, तो आज फिर से एक बार आपको दिखा दूँ मैं, चारों तरफ आप देखेंगे सारा का सारा जो गेहूँ वेस्ट है, बाकी का दाना जो है यहाँ इधर है। तो हाँ जी, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों का कहना ये था कि भाई आपने अभी तक इनकी मटकियाँ नहीं लगाई हैं, ना इनके लिए कोई नेस्टिंग लगाई है अपनी जो ये फिंचेस हैं इनके लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं लास्ट टाइम में मटकियाँ ले आया था, दो सैंपल लेकर आया था मटकियों के मैं, मगर वहीं कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की भी राय लेनी थी। वहाँ मैंने तो सजेस्ट कर लिया कि मुझे कौन सी मटकियाँ लगानी है, आज मैं वो मटकी भी आपको दिखा देता हूँ। और आप लोगों ने कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि कौन सी मटकी का साइज़ है, कौन सी मटकी हमारे फिंचेस के लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी, पहली जो मटकी हमारे पास वो ये है, मैं ये वाली मटकी लेकर आया था, ठीक है, इनके लिए स्पेशल, ठीक है। तो एक साइज़ तो इनकी मटकी का ये हो गया है, चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये हमारा जो साइज़ है, ये हमने साइज़ दिया है अपनी जेब्रा फिंच के लिए, ठीक है। और इसी के साथ एक साइज़ जो है इसमें रखा हुआ है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये यहाँ रखा है। एक साइज़ इसमें ये हो गया है दोस्तों, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सी मटकी बेहतर रहेगी फिंचेस के लिए, या तो ये वाली बता दीजिए आप, या ये वाली, ठीक है। और इनके लिए फिर अगर आप इन्हीं भी रिजेक्ट कर देंगे तो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग मुझसे मेहनत करवाएंगे ज़्यादा, फिर मैं इनके लिए ऐसे बॉक्स बनाऊँगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और जो है बॉक्स इनके बनने वाले हैं इस वाले केस के लिए। तो फाइनली आप लोगों ने फाइनल कर देना है कौन सी मटकी इनके लिए लगानी है, ताकि हमारी जो फिंचेस हैं उनको अच्छा घर मिल सके और ये अच्छे से दोबारा अपने घरों में जाके शिफ्ट हो सकें, ठीक है। तो समझता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी खासा अच्छे तरीके से, और जो है मटकी का जो एक इंतजार था वो ख़त्म हो गया इनकी नेस्टिंग का, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और गाइज, मैं कुछ दिन से सोच रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो डायमंड डब्स हैं वो नीचे बैठे रहती हैं बड़े आराम से, कहीं ऐसा तो नहीं इनको घोंसला चाहिए हो इसलिए लोग नीचे बैठती हैं। तो वो देखिए, ये ऊपर स्टिक पे बिल्कुल नहीं बैठ रही है, नीचे बैठ जाती हैं, इनको इसमें आराम मिलता हो ऐसा भी हो सकता है, या यूँ हो सकता हो कि ये कहना चाह रही हूँ कि भाई हमें बॉक्स दे दीजिए, या फिर हमें कोई इस तरह की टोकरी दीजिए जिसमें हम लोग अंडे वगैरह रख सकें, ठीक है। तो अभी का क्या है, इनकी फीड ख़त्म हो रखी है, तो इनको फीड दे देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ से खोल लूँगा इसको बॉक्स को, और अपनी जो फिंचेस हैं यानी कि ये देखिए, थोड़ी फीड में यहाँ भी डाल दूँगा, देखिए यहाँ भी कुछ फीड ख़त्म हो रखी होगी, जैसा कि हो रखी हुई है ये मैंने डाल दी, और अब बाकी फीड में डालूँगा हमारी इन वाली फिनिश को। चलो जी, गेट खोल लेते हैं ये वाला, और अब तैयारी है इनके लिए दाने की। दाना इनका बिल्कुल फिनिश हो रखा है, मैंने ख्याल किया नहीं। तो चलिए, ये रहा जी दाना, दाना भी इनके लिए मैंने डाल ही दिया है। तो फिनिश का दाना वगैरह हो गया दोस्तों, मटकी वगैरह भी इनकी मैंने लगा सेट कर दी हैं, बाकी ये अब आप सैंपल डिक्लेयर करें, क्लियर करें, तो फिर आया का भी मैं कुछ सोचूं, यानी कि मैं लेकर आऊँ इनके लिए और भी मटकियाँ। तो ये अपडेट कुछ मैंने आज आपको दी है अपनी मिनी जू की। चलते हैं अब फीडर सेटअप की कंडीशन देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर चलकर, और मौसम का हाल जानते हैं कैसा हो रखा है हमारे यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं फीडर सेटअप पर, ठीक है। तो भाई दोस्तों, अभी फीडर सेटअप पर आ गए हैं, मगर गर्मी जो है बहुत ज्यादा है, धूप जो है बिल्कुल नहीं निकली है, हल्की फुल्की है। मैं दिखाता हूँ, देखिए सामने में इतना सूरज है, बाकी चारों तरफ घटा है, तो हवा कुछ है मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसा बोलते हैं ना, उमस वाली है घमस वाली गर्मी होती है, कुछ इस तरह ही गर्मी हो रखी है। तो आज गर्मी में मैंने क्या किया था, दोपहर मैंने अंदर ही दाना दे दिया था कबूतरों को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर, और जो दाना था ना इनको अंदर देने के बाद अंदर ही मैंने पानी भी दे दिया था। बाकी जो कबूतर मैंने खोले थे सुबह, वो कबूतर अंदर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं, उसकी वजह मुझे पता नहीं, मगर वहीं साथ में वो ही बाहर है सब अंदर। तो आज मैं सोच रहा हूँ गाइस, क्यों ना आज हम वाले बच्चे के पर खोल देते हैं। वजह उसकी ये है कि आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, काफ़ी टाइम से बच्चा हमारे पास है, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था। तो आज मेरा मन है कि हम इस बच्चे के पर खोल देते हैं, और पर खोलने के बाद इसको
रिलीज भी कर देते हैं। अब वो इसके मन है या इसकी हेडक है कि रुकेगा या नहीं, मगर वहीं एक छोटी सी मैंने बात नोटिस की है गाइस, एक कौवा जो है सामने देख रहे हैं वो बैठा हुआ था यहाँ पर, और मैं बता दूँ आपको अभी यहाँ से उड़कर वो गया है। ठीक है, किसका क्या मतलब था कौवा के आने, और कौवे एक नहीं तीन चार थे, दो एक देखो मैं दिखा रहा हूँ, तीन तो गाइस वो जा रहे हैं उधर, ठीक है, और एक जो उसके उस साइड में जा रहा है टावर के पास, चार हो गए, चार तो उधर हो गए कौवे, और चार के बाद मैंने एक जो कौवे भी दिखाते हुए भी देखे हैं, मैं दिखाता हूँ जो कि मैंने जाता हुआ देखा है, वो देखिए वो जा रहा है मंदिर के आगे की तरफ, एक वो देखिए, पाँच कौवे एक साथ हमारी छत पर थे आज, जिसमें से एक मैंने बैठा हुआ देखा, बाकी चार उड़ रहे थे। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है, मैं बताता हूँ इनके आने का रीज़न क्या है गाइज। आप देखिए सामने की तरफ हमारे बच्चे निकले हुए हैं पिजन्स के, वो देखिए सामने, तो ये लोग शिकारी परिंदे तो होते ही हैं, कई बच्चों की वजह से आए हों, दो बच्चे वो निकले हुए हैं जैसे वहाँ पर वैसी के साथ, तो दो बच्चे जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वो देखिए सामने निकले हुए हैं। इन लोगों को खाने के लिए, इन लोगों को खाने के लिए ये लोग आ सकते हैं, यही वजह हो सकती है। और ग्रेटी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं उतावला है आज अंदर जाने के लिए, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। ग्रेटी दरअसल ग्रेटी के बच्चे जो हैं, सॉरी अंडे हैं अंदर, जिसपे कि इसकी फीमेल बैठी हुई है मिनी, तो मिनी अंडे सेक रही है, इसलिए ग्रेटी का ही मन हुआ कि मैं भी जाकर अंडों पर बैठूँ। और गाइस ये जो हमारा कबूतर है ये भी बहुत ज़्यादा मस्त कबूतर है, मगर इसकी जो है क्वालिटी है कि ये कुछ देर उड़ता है, बाकी पूरी छत पर मस्ती करता रहता है, कभी यहाँ से उड़ के वहाँ बैठता है और वहाँ से उड़ के यहाँ बैठता है। तो गाइस कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो है इन जनाब की हमारे यहाँ चलती रहती है ना, और यही एक्टिविटी अगर अपने सेटअप पर होती रहे तो बड़ा अच्छा लगता है, कबूतरों को रखने में बड़ा मज़ा आता है, और साथ ही में इनके साथ टाइम बिताने में बड़ा मज़ा आता है। जब कबूतर इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, और अपनी छत खाली खाली लगती है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से जो है आप सभी के यहाँ भी आपके कबूतर जो है मस्ती वगैरह करते रहें और खेल कूद करते रहें, जो खेल कूद और इनकी मस्ती देखने में मज़ा आता है ना वो कहीं नहीं आता भाई, जो एक पेट लवर होता है ना वही समझ सकता है इन बातों को। तो खैर दोस्तों अभी जो है मैं आपको दिखा दूँ कि अरे यार एक तो शोर बहुत हो रहा है गाइस, गाइस सामने आप देखेंगे उधर देखिए वहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है लेंटर का, आप देखिए उधर देखिए बोलो ना वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है इतना शोर हो रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है बड़ी वाली, इसको हैमर ही बोल देते हैं शायद, वो देखिए वो चल रही है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है। चलो जी काम होने देते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई इससे इशू नहीं है। तो फिर दोस्तों आज की जो पिजन की अपडेट थी इस प्रकार मैंने आपको बहुत ज़्यादा दी जितनी हो सकती थी मेरे से, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिजन सेटअप पर रुका नहीं जा रहा है, और मैं इसलिए छाया नहीं खाऊँ उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धूप, क्योंकि धूप जो है अब निकल चुकी है, पहले धूप जो है नहीं थी, आप देखेंगे अब उधर देखिए वो आप देख रहे होंगे ब्राइटनेस आ चुकी है, देन इस साइड ही ब्राइटनेस पूरी है, हमारे पिजन्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस साइड में ही है, तो धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक बार दिखा देता हूँ मैं सूरज आपको, वो देखिए उधर जो है सूरज देखिए पूरा इस वक्त फुल है, इस टाइम पर गर्मी के हिसाब से लिहाज से बहुत ज़्यादा गर्मी के हिसाब से सूरज पूरा है। तो अरे ये इधर कबूतर बैठे हुए हैं शायद हमारे, हाँ ये हमारे कबूतर बैठे हुए हैं इधर काफ़ी सारे। तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा तो फिर उस हिसाब से पसीने का भी, पानी का भी बहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर पानी की कमी हो सकती है बॉडी में, और धूप में रहने से और भी काफ़ी सारी बीमारी लग सकती हैं इस वक्त क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर।